नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? और हम आज आपको 10th क्लास में 8वां पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि फर्स्ट पार्ट तो हमने आपको पहले पढ़ा दिया था, आज है सेकंड पार्ट। नागार्जुन के बारे में हमने पढ़ा था, आज और थोड़ा हम आपको बता देंगे। उसका जो सेकंड पार्ट है, उषा की लाली, ये आज अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। मैं आपको वापस से थोड़ा सा नागार्जुन के कवि परिचय के बारे में बता दूं। हिंदी और मैथिली के अप्राकृतिक या अप्रतीक या अप्रतिम या प्रमुख साहित्यकारों में नागार्जुन का नाम है। इनका जन्म बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था, जो कि सतलखा गांव में हुआ था। और कब हुआ था बच्चों? ये हुआ था 1911 में। इनके बचपन का नाम, मूल नाम जिसको हम कह सकते हैं, वो वैद्यनाथ शर्मा था। और इनकी आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई थी। फिर उसके बाद में वो उच्च अध्ययन करने के लिए, आगे पढ़ाई करने के लिए बनारस और कोलकाता चले गए थे। सन 1936 में श्रीलंका भी गए थे और वहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षिता प्रदान की थी। हालांकि ये गुमक्कड़ी स्वभाव के थे, लेकिन अक्खड़ स्वभाव के भी थे। नागार्जुन ने कई बार संपूर्ण भारत की यात्राएं की थी। सन 1998 में आप यहाँ हमेशा हमेशा के लिए साहित्य जगत को सुना कर गए, यानी आपका देहांत हो गया। इनकी प्रमुख काव्य कृतियों में या उनकी प्रमुख रचित जो कृतियाँ हैं, उनमें युगधारा, सतरंग पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, तालाब की मछलियाँ, ये प्रमुख थे। इन्होंने उपन्यास और अन्य गद्य विद्याओं में भी लेखन कार्य किया है। बात हम इस पाठ के सेकंड भाग के परिचय के बारे में कर लें, तो दूसरे इसमें पद में उगते हुए सूरज की अप्रतिम छटा का वर्णन इन्होंने किया है। नागार्जुन ने प्रकृति प्रेम को सहज ही हमें परिभाषित करके बताया, या प्रकृति का सहज रूप से परिचय हमको नागार्जुन ने दिया है। हम सवेरे उठते हैं और सूर्य की लालिमा प्रातःकाल हम देख करके और हमारे मन में कई विचार आते हैं बच्चों, उसी प्रकार सूर्य की प्रातःकालीन लालिमा को देखकर कवि का मन है वो अभिभूत हो जाता है। अभिभूत जिसको हम कह सकते हैं, इस लघु कथा में प्रकृति चित्रण की भावपूर्ण शैली या अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। बच्चों, उषा की लाली एक बार मैं पढ़ दे देता हूँ, दूसरी बार मैं इसका रिपीटेशन भी कर दूँगा और उसके बाद मैं इसके अर्थ को आपको समझाऊँगा। कुछ नहीं, आपको एक छोटी सी मात्र कल्पना करनी है कि आप सवेरे सवेरे उठे हैं और उगता हुआ सूरज क्षितिज में से निकल रहा है और उसकी लालिमा चारों तरफ बरकरार है, तो आप सुनिए। उषा की लाली में अभी से गए निखर, हिमगिर के कनक शिखर, आगे बढ़ा शिशु रवि, बदली छवि देखता रह गया अपलक कवि, डर था प्रतिपल, अपरूप ये जादुई आभा, जाए न बिखर। उषा की लाली में भले हो उठे थे निखर, हिमगिरी के कनक शिखर। तो बच्चों, ये मैंने इसको एक बार नॉर्मल वे में पढ़ा है। हम बात कर लेते हैं शब्दार्थ की, तो शब्दार्थ में पावस का मतलब वर्षा ऋतु, अविराम का मतलब लगातार, ये कुछ पुराने हैं, कुछ बाकी के ये सब नए हैं सेकंड पार्ट के। अविराम का मतलब लगातार, शिराओं का मतलब बच्चों होता है अग्रभाग, यानी आगे का भाग,
लाव लश्कर यानी साज और सामान या सब कुछ हम संपूर्ण सुविधाओं के साथ कहीं लाव लश्कर के साथ जाते हैं, जैसे राजा महाराजा हाथी घोड़े पालकी रथ और बहुत सारे पैदल यात्रियों के साथ पैदल सैनिकों के साथ जब आते थे तो वो लाव लश्कर होता है। या आज कोई बड़ा प्रधानमंत्री है राष्ट्रपति है ये जब आते हैं तो कितने लाव लश्कर के साथ में आते हैं। आगे है हिमगिरी यानी हिमालय, कनक यानी सोना, शिखर यानी चोटी, अपलक बिना पलक झपके हुए या एक टक, हमको किसी चीज़ को कई बार अच्छी जो अपन को मन भाने वाली चीज़ होती है तो उसको एक टक देखते हैं ना। अपरूप यानी बदरूप, आभा का मतलब होता है शोभा और निखर का मतलब स्वच्छता या चमकदार या निखरने वाली। अब हम मूल रूप से सेकंड पार्ट में आते हैं बच्चों। उषा की लाली में अभी से बिखर गए निखर, हिमगिर के कनक शिखर आगे बढ़ा शिशु रवि, बदली हुई छवि बदली हुई छवि, देखता रह गया अपलक कभी डर था प्रतिपल, अपरूप ये जादुई आभा जाए ना बिखर जाए ना बिखर, उषा की लाली में भले हो उठे थे निखर, हिमगिरी के कनक शिखर हिमगिरी के कनक शिखर। तो ये छोटी सी कविता है, इसका हिंदी शलाक के रूप में हम बात करते हैं। तो ये मैं आपको बता दूँ नागार्जुन द्वारा जो रचित उषा की लाली जो शीर्ष लघु कविता है, इसमें उषा काल का वर्णन करते हुए प्राकृतिक परिवेश को दर्शाते हुए प्राकृतिक लालिमा जो छा जाती है उसके बारे में एक सुंदर सा चित्रण कवि ने किया है। बच्चों उषा की लाली का वर्णन करते हुए लेखक कहता है कि उषा की लालिमा में हिमालय की चोटियां स्वर्णिम चमक से निखर गई है, यानी जब जो ही सूर्य उगता है और आधा सा सूर्य बाहर निकलता है अपने क्षितिज से तो उसके ऊपर जो किरणें हैं वो लालिमा है वो उससे हिमालय पर्वत का जो दृश्य देखना बड़ा ही शोभायमान होता है, यानी हिमालय सोने जैसा लगता है। उषा काल में जब सूर्य थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो कभी उसकी बदली हुई छवि और प्राकृतिक छटाओं का वर्णन करते हुए ये कहता है कि ऐसा लगता है कि जो ही थोड़ा सा सूरज उषा की लाली से ऊपर आए और थोड़ी सी चमक दिखाए तो वहाँ का जो वातावरण है बड़ा ही अप्रतिम होता है, यानी बड़ा ही खूबसूरत होता है शोभायमान होता है। और लेखक कह रहा है कि आश्चर्य करने योग्य होता है, यानी लेखक कहता है कि मैं उसको एकटक देखता रहूँ। उस समय कवि कहता है कि मेरे मन में कोई भय नहीं होता है, कहीं प्रातःकाल की चमत्कारिक शोभा कहीं बदरंग न हो जाए, कहीं ये प्राकृतिक सौंदर्य शीघ्र ही बिखर न जाए, यानी मैं जब एक पल देखता हूँ तो कहीं मेरी नज़र इसके ऊपर ना लग जाए। उषा की लालिमा जब धरती और हिमालय पर फैलती है तो उससे सारा परिवेश स्वर्णिम आभा से रंग जाता है, यानी हर चीज़ पीली पीली, सूर्य जब अपनी चमक पीली चमक के साथ चमकता है तो ऐसा लगता है कि हर चीज़ सोने की हो गई, सब और चारों तरफ अंधकार का अंजाम बुरा होता है और सूर्य की चमकदार किरणों का आगाज़ होता है, चारों तरफ हर चीज़ चमकने लगती है। और हिमालय पर जो बर्फ़ जमी होती है ना बच्चों, उस पर जब सूर्य की किरणें गिरती है तो ऐसा लगता है कि ये पूरा का पूरा चांदी का जो हिमालय था पहले, सिल्वर का जो हिमालय था वो अब गोल्ड का हिमालय हो गया, यानी पूरा सोने का हो गया। यानी जब हम दिन में देखते थे एकदम वाइट होता है, जब सूर्य की लालिमा के साथ उसको सुबह सुबह देखते हैं तो वो हल्का पीला पीला सा कलर हमें ऐसा एहसास कराता है कि ये हिमालय अब सोने का हो गया है। तो विशेषता इस बात में ये है कि उषा की लालिमा का प्रभाव है
वो आभा पर इतना बढ़िया पड़ता है कि हमारे भावों को जगा देता है। यानी उषा काल का सुंदर चित्रण यह नागार्जुन ने किया है। उषा काल शब्द चित्र को उभारता है। अनुप्रास और रूपक अलंकारों का इसमें प्रयोग किया गया है और मुक्त छंद की तुकांत योजना भी बड़ी देखने योग्य है। तो बच्चों, ये छोटा सा पार्ट सेकंड था। आज हम इसके कुछ प्रश्न आपको दे रहे हैं, उन प्रश्नों को आप करेंगे अपनी कॉपी में। आज का पहला प्रश्न है, उषा की लाली में किस समय का वर्णन किया गया है? कवि के अनुसार कवि के अनुसार आसमान को बदलें क्यों बताया है? प्रश्न नंबर 3। ये 4 प्रश्न हैं बच्चों, मैं रिपीट कर देता हूँ, इनके उत्तर भी मैं आपको बताऊंगा। पहला है, देखिए, उषा की लाली कविता में किस समय का वर्णन किया गया है? इसका उत्तर आप लिख देना कि उषा की लाली कविता में सूर्योदय के समय का वर्णन किया गया है। दूसरा है, कवि के अनुसार आसमान को बदरंग क्यों बताया है? तो इसका उत्तर लिखना है, कवि ग्रीष्मकाल की लू, धूल और आंधी के चलने से कवि ने आसमान को बदरंग बताया। यानी सुबह जब सूर्य उगता है तो आसमान साफ दिखाई देता है और उसमें किसी प्रकार का कोई गड़बड़ नहीं होता है, लेकिन जब धीरे धीरे लू चलती है, ठंडी हवाएं चलती हैं, आंधी तूफान चलते हैं, तो ये वातावरण का रूप है, या सुबह की लाली का, उषा की लाली का जो रूप है वो बदरंग हो जाता है। तीसरा, उषा की लाली कविता के अनुसार कवि को क्या डर लग रहा है? तो इसमें लिखना है, इस कविता में जो लेखक के अनुसार उषा की प्राकृतिक शोभा कहीं बिखर न जाए, सुंदरता कहीं कम नहीं हो जाए, इस बात का लेखक को डर लग रहा है। फिर है लास्ट, 4th सवाल है, उषा की लाली कविता का शिल्प सौंदर्य
का वर्णन करो या शिल्प सौंदर्य लिखो, तो आपको लिखना है, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आप आराम से लिख सकते हैं, उषा की लाली कविता में तत्सम शब्दों का भावना रूप प्रयोग किया हुआ है। इस लघु कविता में कवि ने प्रातःकालीन सूर्य को छोटा सा शिशु बताया है और उषा की लाली से हिमालय के शिखरों को स्वर्णिम आभा वाला बताया गया है। अनुप्रास, रूपक और काव्यलिंग अलंकारों का इसमें सुंदर सा वर्णन किया गया है। मुक्तक छंद की इस कविता में तुकांतता है और गेयता का भी निर्वाह किया गया है। इसका शिल्प सौंदर्य बड़ा ही सुंदर है, सुबह का आनंदित रूप भी बड़ा ही मनमोहक है। तो बच्चों, ये आठवें पार्ट का सेकंड पार्ट आज पूरा हुआ। इस बाकी के प्रश्न हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।